क्या होगा अगर मून सडनली डिसअपीयर हो जाता है तो, और इफ वी कैन नोक द मून। मून जो कि सिर्फ एक बड़ा स्टोन है हमें लाइट देता है, तो क्या होगा अगर सडनली डिसअपीयर हो जाता है तो, ये किस तरह से इफेक्ट करेगा हमारी अर्थ को, ओशियंस एंड टाइड्स को, सीजन्स को, और इससे ज्यादा क्या होगा, शायद कुछ भी नहीं, राइट? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जॉर्डन एंड यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन व्हाट इफ द मून सडनली डिसअपीयर्स। अर्थ की नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी होने की वजह से जो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है अर्थ पर, दैट इज मून। जब भी हम सीजन्स को देखते हैं, जब भी हम एक खूबसूरत सी शाम में उस समंदर को देखते हैं, या फिर उसी चमकीली रात में अपने चांद के साथ उस चांद को देखते हैं, और वो हर खूबसूरत चीज़ ऑन द प्लैनेट अर्थ इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन सेलेस्टियल बॉडी नेम्ड मून। हर उठती हुई समंदर की लहर इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मून, चाहे वो लो टाइड्स हो या फिर हाई टाइड्स। मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हमें 23.5 डिग्री की टिल्टनेस प्रोवाइड करता है, जिस वजह से अर्थ पर अलग अलग सीजन्स होती हैं। बट लेट्स सपोज दैट द मून सडनली डिसअपीयर्स। हमारी अर्थ जो कि अब टिल्टेड नहीं है, दिन 6 से 8 घंटे का रहने लगा है, मून का ग्रेविटेशनल पुल अब खत्म हो चुका है, अर्थ की रोटेशनल स्पीड जो कि 4 से 5 गुना ज्यादा हो चुकी है, बर्ड्स जिनका जिंदा रह पाना अब मुश्किल हो गया है, हवाएं 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, छोटे जानवर और कीड़े खत्म हो चुके हैं, समंदर कॉन्टिनेंट्स में मिलने लगे हैं, इस वक्त जो कुछ वक्त के लिए जिंदा बचे हैं वो हैं कुछ लंबी जड़ों वाले पेड़ और कुछ बड़े जानवर, फिर तबाह हो चुके हैं। अर्थ की टिल्टनेस में आए चेंजेस की वजह से एक बड़े अर्थक्वेक ने 60% से ज्यादा आबादी खत्म कर दी है। कुछ लोग जिनके पास अंडरग्राउंड शेल्टर्स हैं और कुछ वक्त के लिए खाना, उन्होंने खुद को कैद कर लिया है दुनिया की नजरों से कहीं दूर। सी लाइफ जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जो कि कहीं हद तक निर्भर करती थी समुद्री करंट पर, चंद्रमा के ना होने की वजह से वो खत्म हो चुका है। अब कोई और सोर्स नहीं बचा है ऑक्सीजन कैरी करने का समुद्री तल तक। हवाएं जो कि अब कहीं ज्यादा तेज हैं, मगर समुद्र की वो लहरें अब थम चुकी हैं। अर्थ के कुछ हिस्सों में अब कभी रोशनी नहीं पहुंचती है, और अब वहां पर आइस एज की शुरुआत हो चुकी है। टेम्परेचर जो कि -272 डिग्री तक पहुंचने वाला है। इक्वेटर पर गर्मी हर दिन बढ़ती जा रही है। आसमान जो कि अब साफ दिखता है जितना पहले कभी नहीं था, मगर अब उस काले आसमान के नीचे खुद के हाथ भी नहीं दिखते हैं। अंधेरा जो कि अब बहुत ही डरावना लगने लगा है, और अब कुछ भी नहीं दिखता है इन रातों में या फिर आने वाले कल के बारे में। साल जो कि अब 365 का नहीं होता है, जिसमें हजारों दिन होते हैं। चीजें अब नॉर्मल नहीं रही हैं। शेल्टर्स में रहने वाले लोग अब एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से मरने लगे हैं। खाना खत्म हो चुका है, पृथ्वी अब अनहैबिटेबल जोन में पहुंच चुकी है, अब कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। थिंग्स हैज टर्न्ड इनटू आइस एंड एशेस। काश हम कुछ और वक्त तक बात कर पाते,
But for me, the things came to an end. But not for you. I wish you could have a beautiful night with a bright morning ahead. और काश आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम कनेक्टेड रह पाते, बट आई हैव टू लीव एंड हैव टू से गुड बाय.